हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएसई कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 24 जून को लॉन्च कर दिया है। इसमें जो नए फीचर आए हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। पहला चेंज अगर हम देखें तो विंडो में जो सबसे नीचे टास्क बार होता है और जो स्टार्ट बटन है उसको सेंटर लाइन कर दिया गया है। दूसरा चेंज यह है कि विंडो के डायलॉग बॉक्स भी राउंड कॉर्नर कर दिए गए हैं। और तीसरा चेंज ये है कि इसकी थीम चेंज कर दी गई है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ जो इसके आइकन्स होते हैं उनको भी कलरफुल बनाया गया है यहाँ पर। और सेकंड फीचर है मल्टी मॉनिटर सेटअप, जिसकी हेल्प से हम एक ही डेस्कटॉप से कई सारे मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फीचर है यूनिवर्सल सर्च, जो नीचे टास्क बार में दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम की किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है रिस्टोर डाउन, जिसकी हेल्प से हम क्विक स्नैपिंग कर सकते हैं, यानी अगर दो या चार विंडो एक साथ ओपन करनी है तो बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर अपग्रेड किया गया है विंडोज़ 11 का एक्शन सेंटर, जो कि डेस्कटॉप के बॉटम राइट कॉर्नर पर दिया होता है और वो भी इस विंडो पर चेंज होकर आया है। सिक्स फीचर है विंडो स्टोर, जिस तरह एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए प्ले स्टोर दिया होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडो 11 में विंडो स्टोर फीचर दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।